hello students and my dear friends i'm dr shalini shukla and today is april 30 2020 thursday so let's start with business standard daily news analysis this analysis is suitable for these many viewers so in today's discussion we are going to cover these articles so let's start with article number 1 given on page number 1 department of telecommunication pulls up bsnl over 4g equipment tender ಮಾರ್ಚ್ ತೇಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ टेंडर इनवाइट किया था प्लानिंग इंजीनियरिंग सप्लाई इंस्टॉलेशन कमिश्निंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द 4G सर्विसेज मोबाइल नेटवर्क इन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ जोन ऑफ बी एस एन एल इन डेली एंड एम टी एन एल इन मुंबई तो उसी जो इन टेंडर था उस टेंडर में के अगेंस्ट जो कुछ डोमेस्टिक मैनुफैक्चर हैं उन्होंने जाकर के डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन में रिटर्न में कंप्लेन करी है कि जो बी एस एन एल का टेंडर है टर्म्स एंड कंडीशन जो उसमें डिसाइडेड हैं दैट इज एक्चुअली अगेंस्ट द और रिस्ट्रिक्टिव इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स मतलब वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को उस टेंडर में अप्लाई करने के लिए बिडिंग करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कुछ ऐसे कंडीशंस बी एस एन एल ने डाली हैं जिससे कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं 4G इक्विपमेंट्स के वो उन सारी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसक्वालीफाई हो जा रहे हैं और वो जो टेंडर की कंडीशंस हैं वो फेवर कर रही हैं ग्लोबल प्लेयर्स जो बड़े बड़े ग्लोबल और मल्टीनेशनल 4G फोर जी कंपनीज लाइक नोकिया हैं उनको उनके लिए फेवरेबल हैं तो इस बात का संज्ञान लेते हुए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन ने भारत संचार निगम को uh, एक रिटर्न में लेटर इशू किया है और उससे जवाब मांगा है इन फिफ्टीन डेज़ और जो ये कंप्लेन करी थी किसने करी है टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इस काउंसिल ने रिटायरमेंट डी में कंप्लेन करी है कि जो बी का टेंडर है दैट इज़ नॉट फेवरिंग द ग्लोबल प्लेयर्स एंड रिस्ट्रिक्टेड द डोमेस्टिक मैनुफैक्चरर्स इन अप्लाइंग और इन बिडिंग द बिडर इन्वाइटेड बाई द बी तो उसी ड्यूरेशन में भी एक न्यूज़ जो है वो ज़्यादा और एक कंसेप्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है दैट इज़ पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर ऑफ 2017 अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इसी पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर के तहत जो ये टेलीकॉम इक्विपमेंट और सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है ये कंप्लेन कर पाई है डिपार्टमेंट ऑफ टेली में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर ऑफ 2017 क्या है और ये कई केसेस में इंडिया को इसके लिए कई ज़्यादा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडीज़ uh, के पास भी जाना पड़ा क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी इस पर्टिकुलर ऑर्डर या इस पर्टिकुलर क्लॉज के अगेंस्ट कई बार इंडिया के अगेंस्ट केस हुए हैं तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है समझते हैं कि बी में से कहा गया है कि पंद्रह दिन के अंदर आप रिस्पॉन्ड करिए अगर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ने कहा अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आता है विद इन फिफ्टीन डेज़ और ना इधर द कम्पलेंेंट इज़ सैटिस्फाइड अगर आपने या तो अपने पॉलिसीज तो गी तो में चेंज करी जैसे कि कंप्लेंेंट सेटिसफाई हो जाए आईदर यू रिप्रजेंट इन द मीटिंग विच इज़ ड्यूटी इज गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूटेड और कंडक्ट ऑन वेटिंग द रिस्ट्रिक्टिव एंड डिस्क्रिमिनेट्री टर्म्स अगेंस्ट डोमेस्टिक मैनुफैक्चर ऑफ टेलीकॉम प्रोडक्ट्स और जिसके ऐसी मीटिंग कंडक्ट करने जा रहा है डी यू टी जिसमें जो बी एस एन ने टेंडर निकाला है जो टेंडर पास किया है उस टेंडर की पॉलिसीज को या उसके क्लॉज को रिवाइज़ किया जाएगा देखा जाएगा रिव्यू किया जाएगा और चेक जा, किया जाएगा क्या वो सच में डिस रिस्ट्रिक्टिव और डिस्क्रिमिनेट्री हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के अगेंस्ट में या नहीं और उससे पहले अगर अगर बी एस एन एल चाहे तो कंप्लेनेंट से खुद बात करके उनको सेटिस्फाई कर सकता है अदरवाइज बी एस एन एल और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बस एन एल हैज़ टू प्रेजेंट इन टू दैट मीटिंग इफ देर इज़ नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बी एस एन एल और द कंप्लेनेंट द केस विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल विद द कमेटी अगर दोनों में से कोई भी नहीं आता है तो जितने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं कमेटी के पास उसी के बेसिस पर डिसीजन हो जाएगा अब यहाँ पर जो कंसेप्ट इमर्ज होकर आ रहा है वो ये है कि ये क्या होता है द वॉट इज़ द टर्म पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर ऑफ 2017 अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आप सभी को पता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो स्कीम थी वो 2014 में लॉन्च करी गई थी क्यों लॉन्च करी गई थी इन ऑर्डर टू इंप्रूव द मैनुफैक्चरिंग सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी क्यों किसी भी इकोनॉमी के स्टूडेंट ग्रो करने के तीन फेजेस होते हैं पहला होता है वो प्राइमरी सेक्टर में अपने ग्रो करता है प्राइमरी मीन्स अपने एग्रीकल्चर में स्ट्रॉन्ग होता है देन वो अपने सेकेंडरी को ग्रो करता है सेकेंडरी मीन्स मैनुफैक्चरिंग एंड देन इट मूव्स इन टू टर्शरी सेक्टर दैट इज सर्विस सेक्टर इंडिया के केस में क्या हुआ है इंडिया के केस में इंडिया हेज़ डायरेक्टली मूव मूव फ्राम प्राइमरी टू सर्विस सेक्टर और द टर्शरी सेक्टर वी स्किप सेकेंडरी सेक्टर और द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इस स्किप की वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो बहुत कम रहता था और इंडिया का इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा होता था ठीक है स्पेशली विद चाइना क्योंकि चाइना इज़ द मैनुफैक्चरिंग हब तो चाइना से हमें बहुत ज़्यादा अदर अदर नेशन से हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट इम्पोर्ट करना पड़ता था अपने मैनुफैक्चरिंग सेक्टर के लिए तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए अपने मैनुफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉग बनाने के लिए गवर्नमेंट ने दो तो में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका बेसिक पर्पस था अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ाना आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर यह बताइए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंडिया के जीडीपी पे कितना कंट्रीब्यूशन है ठीक है और और कंट्रीब्यूशन होना और जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है जिसमें कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं तो यह भी एक ऑब्जेक्टिव था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना तो इस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारे अदर एक्ट्स या बिल्स या अमेंडमेंट्स या रूल्स रेगुलेशंस लाए गए थे जिसमें से एक था पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर ऑफ 2017 इसका एम क्या था इसका एम था कि जो पब्लिक जो इंडिया में जो बेसिकली जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाए ओवर द ग्लोबल प्लेयर्स वेन देर इज़ एनी बिडिंग और दैनी एनी एक्विजिशन ऑफ द इक्विपमेंट्स क्यों इनकरेज द मेक इन इंडिया प्रोग्राम अगर हमारे खुद के जो कंपनीज uh, अगर वो बिडिंग कर रही हैं और वो बिडिंग में वो डोमेस्टिक प्लेयर से ना खरीद करके ग्लोबल प्लेयर से खरीद रही हैं तो इससे क्या होगा हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या जो सेगमेंट है वो डिस्करेज हो जाएगा कि जब हमारे हम हमारे खुद के पब्लिक प्रोक्योरमेंट कंपनीज हमसे प्रोक्योर नहीं कर रही हैं दे आर प्रेफरिंग द ग्लोबल प्लेयर्स ओवर अस देन इट विल डिस्करेज द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस और इन ऑर्डर टू इंक्रेज द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की लोग मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें और इंडिया में ही मैनुफैक्चरिंग करें इन ऑर्डर टू प्रमोट दिस गवर्नमेंट हैज़ पास वन ऑर्डर दैट इज़ कॉल्ड एज पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर ऑफ टू थाउजेंड सेवेंटीन अंडर दिस ऑर्डर मिनिमम लोकल कंटेंट ऑफ एनी प्रोक्योरमेंट शुड ऑर्डिनरी बी फिफ्टी परसेंट मतलब अगर आप अगर कोई भी कंपनी बिडिंग कर रही है किस या बिडिंग uh, में से इक्विपमेंट uh, के ख़रीदारी के लिए तो उसमें कम से कम पचास परसेंट का मिनिमम लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए मतलब उसमें पचास परसेंट या तो ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज हुआ होना चाहिए जिससे जिसमें जो कि डोमेस्टिक मैनुफैक्चर इंडिया में जो डोमेस्टिक मैनुफैक्चरर्स हैं उन उन्होंने बनाया हो उसका उसमें यूज़ हुआ हो दिस प्रोविजन इज क्रिएटेड टू इनकरेज द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर डेफिनेटली डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को इनक्रेज करने के लिए हुआ है अगर इसी लाइन uh, में अगर हम एक न्यूज़ की बात करें एक न्यूज़ आई थी करीब एक साल पहले दो साल पहले जिसमें इंडिया ने सोलर पैनल के लिए बिडिंग कराई थी इंडिया में सोलर पैनल के लिए बिडिंग हुई थी और उस बिडिंग की जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उन उस टर्म्स एंड कंडीशन में सेवेंटी परसेंट लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट का क्लास लगा दिया गया था जिसके अगेंस्ट बहुत सारे जो नेशंस थे वो स्पेशली यूएसए, वो डब्लू की सेटलमेंट बॉडी में गया था और उसने कहा था दिस टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इंडिया इंडियन गवर्नमेंट इज़ अगेंस्ट द डब्ल्यू नॉर्म्स एंड डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट द यूएस प्लेयर्स और यूएस कंपनीज तो उसके उसमें जो डिसीजन आया था वो जनरली इंडिया के अगेंस्ट में आया था तो इंडिया ने लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट की जो uh, मिनिमम रिक्वायरमेंट थी उसको डिक्रीज़ किया था सोलर पैनल के केसेस में और इसी के बाद जो गवर्नमेंट है उसने पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर को अमेंड करके एक नया ऑर्डर लाया 2019 में जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं बेसिकली आप इतना समझ लीजिए ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को कोव करने के लिए था और इस ऑर्डर का एक पर्पज़ यह है कि जितनी भी बिल्डिंग हो या लोकल कंटेंट जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है उस प्रोक्योरमेंट में मिनिमम फिफ्टी डोमेस्टिक प्लेयर्स का इन्वॉलमेंट हो और इसी क्लॉज के तहत जो हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है uh, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज में उसने कंप्लेन करी है अगेंस्ट बीएसएनएल एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेली बहुत फ्यूरियस है उसमें और उन्होंने पंद्रह दिन के अंदर जवाब मांगा है और बीएसएनएल को बहुत टाइट भी किया है कि अगर आपका जवाब पंद्रह दिन के अंदर नहीं आया तो वो जितने भी ऑफिसर्स हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेगी अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर टू गिलियर रिपोर्ट पॉजिटिव डेटा इन ट्रायल फॉर कोविड नाइन्टीन यह क्या है इसमें इंडिया की यूएसए की एक बेसिकली कंपनी है जिसको जिसने एक्सपेरिमेंट किया है रेमडेसिविर एक ट्रायल मेडिसिन है जिसको ट्रायल किया है पेशेंट्स पे कोविड नाइन्टीन के पेशेंट्स में और जो रिज़ल्ट आया है दैट इज़ पॉजिटिव और जो डेटा है उसे कुछ अच्छे रिजल्ट्स शो हो रहे हैं जिसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट है वो भी बूम किया है और लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो इस चीज़ से बढ़ गई है कि आने वाले टाइम में जल्द ही कोविड नाइन्टीन का कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट आएगा जेलिट साइंस सेट ऑन Wednesday दैट द early results from द US government गवर्नमेंट रन स्टडी शो एडिट्स एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स टू ट्रीट कोरोना वायरस हेल्प पेशेंट्स रिकवर मोर क्विकली देन स्टैंडर्ड केयर इस स्टडी को किसने रन किया था यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज इसने स्टडी को रन किया था जिसमें एक ड्रग जो है जिसका नाम है रेमडेसिविर और उसका जो कोरोना uh, नाइन्टीन के पेशेंट्स हैं उन पर यूज़ किया गया था और एक स्पेशलाइज डिज़ाइन होती है रिसर्च मैथडोलॉजी में जो लोग थोड़ा आराम से हैं उनको पता होगा रैंडमाइज डिज़ाइन रेंडम रैंडम तरीके से और प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल किया गया और उस ट्रायल में यह पाया गया कि जो ये रेमडेसिविर ये ड्रग है दिस ड्रग इज़ मोर इफेक्टिव देन एनी अदर स्टैंडर्ड केयर अवेलेबल फॉर कोविड नाइन्टीन ट्रीटमेंट तो इसकी वजह से क्या हुआ इसकी वजह से तो जिलियट के जो शेयर प्राइजेज़ हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं लास्ट वीक जब चाइना की भी ऐसा कोई ट्रायल था जो एक्सीडेंटली डब्ल्यू की वेबसाइट पे पोट हो गया था जिसकी वजह से भी प्राइस जो मार्केट था वो बहुत ऊपर तक गया था तो तो रेमडेसिविर के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं उसकी वजह से सिर्फ इस इस कंपनी के ही शेयर प्राइजेस नहीं अदर जो हमने पॉजिटिव ट्रेंड्स तक आप देखेंगे तो पॉजिटिव ट्रेंड्स देखने को मिलेगा बहुत सारे अदर शेयर प्राइजेज़ में क्योंकि जब ट्रीटमेंट अगर ऐसा सोचा जा रहा है कि ट्रीटमेंट आएगा तो हो सकता है कि जो लॉकडाउन है वो ख़त्म हो जाए कंपनी दोबारा से रिज्यूम कर लें और जल्दी रिज्यूम कर लें अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो उसकी वजह से भी पॉजिटिव ट्रेंड शेयर मार्केट में देखने को मिला चाइना के जो रिजल्ट्स थे वो एक्चुअली वो डिसक्रेजिंग थे वो इंकरेजिंग नहीं था जिसकी वजह से जो मार्केट था वो बहुत ज़्यादा डाउन हुआ था पिछले वीक तो स्टूडेंट अगर आप ये जानते होंगे कि र्यूमर्स हों चाहे इंफॉर्मेशन हो उनका शेयर मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अगर पॉजिटिव र्यूमर है या पॉजिटिव इन्फॉमेस इवन सच भी नहीं है वो र्यूमर ही है तो भी शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है बिकॉज ऑफ द फॉल्सिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर थ्री GSK एस sale प्लान सेल ऑफ़ डॉलर stake in HUL. इन एच जैसा कि हम सभी जानते हैं जी एस के इज़ वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड इट इज़ प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट अ सेल ऑफ इट्स डॉलर थ्री पॉइंट सेवन बिलियन्स टेक इट यूनिवर लिस्टेड इंडिया यूनिट मतलब जी एस के इज गोइंग टू सेल इट्स टेक इन एच यू एल जो इंडिया में जो यूनिट है उसको जी एस के इज गोइंग टू सेल ग्लैक्सो प्लान टू अ फ्लोट पार्ट ऑफ और ऑल ऑफ इट्स फाइव पॉइंट सेवन परसेंट होल्डिंग्स इन हिंदुस्तान यू निलीवर थ्रू अ सीरीज ऑफ ब्लॉक ट्रेड्स विच कुड स्टार्ट एज सून एज द नेक्स्ट डेज द फर्म इज़ एन डिस्कशन विद द एडवाइजर ऑन वेन टू लॉन्च सच ट्रांजेक्शन अब आप देख रहे हैं बहुत सारे जो फॉरन प्लेयर्स हैं वो इंडियन मार्केट छोड़ कर भी जा रहे हैं तो ये भी ये लाइन ये न्यूज़ भी उसी लाइन में हो सकती है कि अब क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है या आ, ऐसा नहीं लग रहा कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा तो बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया की जो कंपनियाँ जो इन्वेस्टमेंट है उसको छोड़ करके जा रहा था ड्रग मेकर रिसीव अ स्टेक वैल्यू एट थ्री पॉइंट सेवन बिलियन एज एज ऑफ वेनसडे एज अ पार्ट ऑफ द पेमेंट फॉर द सेल ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ द असैट्स दैट वॉज कम्प्लीटेड दिस मंथ तो ये भी एक न्यूज़ हो सकती है इकोनॉमिक स्लो डाउन या रिसेशन से रिलेटेड कि जिसमें बहुत सारी कंपनीज हैं या तो वो अपना स्टेक बेच कर जा रही हैं या अदर कंपनीज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं लो वैल्यूएशन का फ़ायदा उठा करके अपॉर्चुनिटीज़ अपॉर्चुनिस्टिक मर्जर सेल्स एंड एक्विजिशन कर रहे हैं तो देखते हैं ये सेल कब तक की या जो ये बेटा ये कब तक की आती है क्योंकि अभी तक कोई ऐसा फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया और जो कंपनी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस चीज़ पे नहीं दिया गया अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर फोर वोडा रिलीफ एस सी ऑर्डर्स रुपीज सेवन थ्री थ्री करोड़ टैक्स रिफंड इस न्यूज़ को समझने से पहले इसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट कि एक्चुअली ये क्या है न्यूज़ को मैं एक लाइन में पढ़ के पहले इसका बैकग्राउंड समझाऊंगी इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि ये न्यूज़ क्या है अभी सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया है कि वो जो वोडाफोन कंपनी है जिसका जो आईटीआर टी जो आईटीआर पेमेंट अभी तक बाकी है उसको रीपेमेंट तुरंत कर दिया जाए अच्छा ये ऐसा बोला जा रहा है कि वोडाफोन के लिए एक रिलीफ की तरह है जो सुप्रीम कोर्ट का को ऑर्डर है क्यों रिलीफ की तरह है एक्चुअली जनवरी जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिस ऑर्डर में जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं चाहे वो वोडाफोन हो एयरटेल हो जियो हो वो सब एक केस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट लड़ रही थी वो हार गई उस केस में क्या था उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सारी टेलीकॉम कम्युनिकेशन जो कंपनीज़ हैं इनके अगेंस्ट पटिशन फाइल करी थी और ये कहा था कि इन्होंने अपने एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू जो ये जिसका जो परसेंट परसेंटेज शेयर जो ये गवर्नमेंट को एज अ लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूजर्स फी देते हैं उसके कैलकुलेशन में इन लोगों ने गड़बड़ी करी या उसको मिस कैलकुलेट किया है इन ऑर्डर टू हाइड देयर एजीआर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को हाइड किया है और गवर्नमेंट को जिससे जिससे कि गवर्नमेंट को 1.47 पॉइंट लैक्स करोड़ का नुकसान हुआ है गवर्नमेंट मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेली को नुकसान हुआ है एक्चुअली जितनी भी ये टेलीकॉम कंपनीज होती हैं ये एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू पर कुछ परसेंटेज uh, रिवेन्यू का डिपार्टमेंट ऑफ टेली को पे करती हैं एज अ लाइसेंस फी और अ स्पेक्ट्रम यूजर्स फी तो ये वेरी करेगी कि हर कंपनी का कितना रिवेन्यू है रेवेन्यू के अकॉर्डिंग ये फी वेरी करती है जो कि अगर आपका ज़्यादा रिवेन्यू तो आपको ज़्यादा देना है ए जी आर का परसेंटेज अगर कम है आपका ए जी आर तो आपको कम देना है तो इस ड्यूरेशन में क्या हुआ था जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज थी उन्होंने अपने नॉन टेलीकॉम रिसोर्सेज से होने वाले रिवेन्यू को अपने ए जी आर में कैलकुलेट नहीं किया था ए जी आर में किसी भी टेलीकॉम जो कंपनी है उसके दो अगर हम बात करें रिवेन्यू तो रिवेन्यू बेसिकली दो तरह के सोर्सेज से आते हैं टेलीकॉम सोर्सेज से टेलीकॉम सर्विसेज रिलेटेड जो टेलीकॉम से फोन इंटरनेट इस तरह की सर्विसेज उनसे रिवेन्यू आता है और कुछ नॉन टेलीकॉम सोर्सेज या सर्विसेज होती हैं जैसे कि रिवेन्यू जैसे कि कंपनी ने अपना फिक्स असेट सेल कर दिया या कंपनी का कहीं डिपॉजिट है कंपनी ने किसी को लोन दिया है तो इस तरह से भी जो रिवेन्यू जनरेट होता है उसको इन्होंने जो टेलीकॉम कंपनीज थी उन्होंने क्या ए के कैलकुलेशन से हटा दिया था हटा दिया था तो क्या हुआ एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू जो था वो फॉल कर गया वो फॉल कर गया तो उनको कम कम परसेंटेज ऑफ लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूजर्स फ्री गवर्नमेंट को देनी पड़ी उन्होंने अपने रिवेन्यू से एक मेजर पोर्शन हटा दिया नॉन टेलीकॉम से वाला जिससे कि उनका जो फी लाइसेंस फीस थी और स्पेक्ट्रम यूजर्स फी थी वो कम हो गई कम हो गई तो बहुत टाइम के बाद गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि कंपनीज़ आर नॉट एक्चुअली कैलकुलेटिंग देयर नॉन टेलीकॉम सोर्सेज तो so, गवर्नमेंट ने इनको बोला कि नॉन टेलीकॉम सोर्सेज से जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं वो भी आपके ए में कैलकुलेट होगा और इसको लेकर के गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन डाली और इसके और इसी के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में गवर्नमेंट के साइड से रिवॉर्ड दिया और कहा कि

अपने सारे नॉन टेलीकॉम रिसोर्सेज जितना भी रिवेन्यू जनरेट हुआ था उस पर भी उन्हें अब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में कैलकुलेट करके उसका भी ड्यू पे करना था जो जो जितनी भी कंपनीज थी अगर जियो को छोड़ दिया तो मैक्सिमम कंपनीज जियो एयरटेल के अलावा मैक्सिमम टेलीकॉम कंपनीज उस समय डिस्ट्रेस सिचुएशन में ऑलरेडी चल रही हैं सबका रिवेन्यू फॉल कर रहा था और उस पर से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनीज उन वो तो शायद अगर पूरी बिग भी जाती तो भी शायद अपना जो ड्यूज़ है वो पे ना कर पाती तो इसके आगे, इस इससे जो बहुत सारी कंपनी थी उन, उन, उनको उनके जो रिवेन्यू जो ग्रोथ है और जो उनकी कंपनी की जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है वो बहुत डाउन हुई अब इसी ड्यूरेशन में जो इस, इसमें सारी कंपनीज में केवल जियो को छोड़कर एवरी कंपनी एवरी टेलीकॉम कंपनी हैज़ रेजेज द कंसर्न कि इतना अमाउंट कैसे पे किया जाएगा और कई टाइम कभी करीब एक दो महीने तक उन्होंने इसके रिगार्डिंग कोई पेमेंट नहीं किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने अगेन उनको फटकार लगाई थी कि आप क्यों ना आप पर कंटेम्ट ऑफ कोर्ट का केस लगाया जाए तो कंपनी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम लाइन दी थी और बोला था इस टाइम लाइन के अंदर हर कंपनी को हर टेलीकॉम कंपनी को अपना ड्यू सेटल करना है और वो ड्यू का टोटल कलेक्टिवली बोला जाए तो वन पॉइंट फोर सेवन लैक्स करोड़ का ड्यू था इतना नुकसान गवर्नमेंट बता रही थी कि उसको इस ए जी आर कैलकु मिस कैलकुलेशन से हुआ है तो अब क्योंकि रीसेंट न्यूज़ क्या है रीसेंट न्यूज़ ये है कि वोडाफोन ने जितना भी टैक्स फाइल किया था अपना 2014 से लेकर के 2018 तक उसमें किसी भी उसको टैक्स जैसे आप लोग कोई भी चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो टैक्स आपने जगह कोई इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसको आपको टैक्स रिबेट मिलता है या बोलते हैं आई फाइल किया होता कुछ आपको छूट होती है हर इंडिविजुअल को और कंपनी को भी कि अगर आपने इतना इन्वेस्टमेंट इतनी सेविंग्स करी तो आपको इतने परसेंट उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा ठीक है तो उसका जो आई टी आर था वो आई टी आर रिफंड उसको दो हज़ार चौदह से वोडाफोन को नहीं हो रहा था दैट वॉज अगेन कॉजिंग द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस ऑन द कंपनी तो इसको लेकर के वोडाफोन जो थी वो सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि दो हज़ार चौदह का जो एटलीस्ट जो उसका आई टी आर है वो तुरंत इमीडिएट उसको डिपार्टमेंट ऑफ़ टेली कम्युनिकेशन रिफंड करे वोडाफोन को हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ़ टेली कम्युनिकेशन ने क्या डिपार्टमेंट सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स रिफंड करे वोडाफोन को डिपार्टमेंट ऑफ़ इनकम टैक्स ने क्या क्या उसने अलग कंसर्न रेजेस किए कि क्यों डिपार्टमेंट ऑफ जो टैक्स है टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो क्यों नहीं आ, जो आईटीआर है उसका रिफंड कर पा रहा है वोडाफोन को उनके अपने कंसर्न उन्होंने कहा कि बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर प्राइजिंग इशूज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ़ द लाइसेंस फी थ्री जी स्पेक्ट्रम फी असट्स रिस्टोरेशन कॉस्ट ऑप्लीगेशन इफेक्ट ऑफ एमेलमेशन ऑफ द ग्रुप एंटिटीज ये सारे इशूज़ ऐसे हैं जिसकी वजह से प्रॉपर आई कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है इसलिए इसलिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो वोडाफोन को अभी आईटीआर रिफंड करने में सक्षम नहीं है हालांकि वोडाफोन पहले डेली हाई कोर्ट के पास गया था डेली कोर्ट ने इस पटिशन को रिजेक्ट करके गवर्नमेंट के या टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में ऑर्डर दिया था जिसके अगेंस्ट वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर किया और सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल रिट इशू करके तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिए हैं कि वो एटलीस्ट दो फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर दो का जो रिटर्न है वो वोडाफोन को रिटर्न कर जिससे कि वोडाफोन का थोड़ा सा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कम होगा आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू ड्यूज और पेनाल्टीज टोटलिंग 53000 करोड़ मतलब वोडाफोन को अकेले 53000 करोड़ पे करने थे एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यूज के ड्यूज के फॉर्म में हाउएवर हैव टू वेट टू रिफंड वर्थ ₹ 4,579 करोड़ अभी इसका टोटल जितना ड्यू है आईटी डिपार्टमेंट में वो है 4,579 करोड़ और जो उसको जितना उसको पे करना है वो है 53,000 करोड़ तो कहीं से इसका मैच नहीं है बट फिर भी आ, ऐसा कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रिलीफ है वोडाफोन के लिए कि वोडाफोन को एटलीस्ट अपना कुछ ड्यू पे कर सकती है एज अ टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ नॉट टेकन एनी एक्शंस टू रिफंड द अमाउंट द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड आई टी टू रिफंड एटलीस्ट सेवन थ्री थ्री करोड़ एंड टेक एक्शंस ऑन द अदर असेसमेंट ईयर एज सुन एज पॉसिबल जिसको आप वेलकम किया है वोडाफोन के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि इट इज़ वेरी गुड स्टेप टेकन बाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड इट इंडिकेट्स दैट नो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और द स्टैचुटरी बॉडी हैज़ टू द स्टैचुटरी प्रोविजन्स In order to exceed their jurisdictions. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर फाइव गवर्नमेंट में अलाउ ई एम फॉर विवाद से विश्वास स्कीम यह विवाद से विश्वास स्कीम क्या है इसको समझने से पहले ये न्यूज़ देख लें अभी सबको सब, सब पता है कोविड नाइन्टीन की वजह से इकोनॉमिक लॉकडाउन है और इकोनॉमी एक, जो इंडियन इकोनॉमी वो रिसेशन की स्टेज पर खड़े हुए जिसकी वजह से गवर्नमेंट आपने जो स्कीम लॉन्च करी थी इस बार फेबर इस बार के बजट में दो के बजट में विवाद से विश्वास स्कीम डायरेक्ट टैक्स रेजोल्यूशन स्कीम है ये इसको गवर्नमेंट जो है इसके इसमें कुछ चेंजेस लाने के के लिए सोच रही क्यों क्योंकि इवन ये स्कीम जो लास्ट डेट थी वो थर्टी फर्स्ट मार्च थी लेकिन गवर्नमेंट ने ये देखा कि इस, इस स्कीम के लाने के बाद भी बहुत ज़्यादा रिजोल्यूशन नहीं आया इंडा टैक्स के केसेस में क्यों क्योंकि फरवरी से लेकर के मार्च तक जो इंडियन इकोनॉमी है जो कंपनीज हैं बेसिकली जिनके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस चल रहे हैं टैक्स को लेकर के वो पेमेंट या रीपेमेंट या सेटलमेंट कर ही नहीं पाए क्योंकि उनकी इनकम या रिवेन्यू इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा फॉल कर गया था तो एक्सपर्ट ने भी ऐसा सजेशन दिया है और गवर्नमेंट भी इस चीज़ पर थिंक ओवर कर रही है कि क्या इस तर इस विवाद से विश्वास जो एक्ट है इसमें कुछ चेंजेस ला करके क्या इस चीज़ को और इस स्कीम को और एफिशिएंट बनाया जा सकता है क्या नहीं With a bleak economic outlook due to the coronavirus pandemic, the government is evaluating the options for allowing payment in installment. जो major change government करने जा रही है वो करने जा रही है allow करने जा रही installment payment. अब इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं ये विवाद से विश्वास tax direct tax resolution scheme है क्या है ये actually scheme है जो government ने इस इसी financial year में budget जो budget आया था 2020 में उसमें लाया था उसमें अप्रूव किया था इस स्कीम में क्या है जितने भी लिटिगेशन फ़ाइल हैं जो टैक्स पेयर्स हैं डायरेक्ट टैक्स पेयर्स हैं उनके अगेंस्ट लिटिगेशन फ़ाइल्स हैं चाहे वो कॉरपोरेट्स हों या छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसमैन हो हों उनके अगेंस्ट जितने भी लिटिगेशन हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स में इनकम टैक्स एप्ल ट्रिब्यूनल्स में हाई कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट्स में कि उन्होंने अपना टैक्स पे नहीं किया है ऐसे बहुत सारी एंटिटीज़ हैं जो टैक्स नहीं पे कर पाती हैं तो उनके अगेंस्ट जो केस होता है वो केस बहुत सारे केस पेंडिंग है बहुत सारे केस हो गए हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इन अब इन जितने ज़्यादा लिटिगेशन होंगे उतना उतनी ही प्रोसीडिंग्स और स्लो होंगी और केसेस बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलते रहते है हैं जिससे कि गवर्नमेंट का रिवेन्यू लॉस भी बढ़ता है और गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस भी लगाने पड़ते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर में बजट में अपने विवाद से विश्वास स्कीम को लॉन्च था इस स्कीम में क्या था इस स्कीम में जो टैक्स पेयर था वो कुछ जो जितना अमाउंट जिस जिस अमाउंट जिस पे एक्चुअली डिस्प्यूट था उस डिस्प्यूट को पे करके इस रेजोल्यूशन इस, इस जो प्रोजिक्यूशन था उससे बच सकता था और इसी जो विवाह से विश्वास रिजोल्यूशन uh, स्कीम है इसी के तहत अगर जो टैक्स पेयर है उसने अपना जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है टैक्स का वो पे कर दिया विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट कोई भी पेनल्टी या कोई भी प्रोसिक्यूशन जो चल रहा होगा वो रोक दिया जाएगा मीन्स जो कि टैक्स पेयर डिफॉल्ट हो गए थे उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आपका जितना टैक्स का अमाउंट है वो आप रीपे कर दीजिए तो आपके अगेंस्ट जो केसेस चल रहे हैं या आप उस पर जो आपको पेनल्टी लगाई गई है जो इंटरेस्ट लगाया गया है वो सब आपको वेव ऑफ कर दिया जाएगा तो क्या है विवाद से विश्वास से स्कीम इज अ टैक्स पेयर वुड बी रिक्वायर्ड टू पे ओनली द अमाउंट दैट इज अंडर डिस्प्यूटेड टैक्स तो इससे दोनों को फ़ायदा होगा दोनों को क्यों जो कि डिफॉल्टेड जो टैक्स पेयर्स होंगे उनको भी इस केस के रेजोल्यूशन प्रोसेस से बार बार आने जैसे लिटिगेशन प्रोसेस से मुक्ति मिल जाएगी दे विल बिकम फ्री एंड दे के दे कैन फोकस ऑन देयर बिजनेस और गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को भी लिटिगेशन बहुत लाइन लंबे टाइम समय तक खींचती हैं और रिवेन्यू जो फॉल कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस आते हैं हर बार कोर्ट में कोई रिप्रेजेंट होने के लिए चाहिए और जो बिजनेस का इकोसिस्टम है वो भी ख़राब होता है तो गवर्नमेंट ने विवाद से विश्वास स्कीम लाई थी डायरेक्ट टैक्स रेजोल्यूशन स्कीम लाई थी जिसमें कहा था कि आपका जितना अमाउंट पेंडिंग है वो पे कर दीजिए एंड यू विल बी फ्री फ्रॉम द ऑल द रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑल द इनकम ऑल द इंटरेस्ट पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन और उसकी जो डेट थी वो थर्टी मार्च टू थी अब क्या है अब चूँकि इकोनॉमिक मेलडाउन की सिचुएशन आ गई है नॉर्मल सिचुएशन नहीं है जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका भी रिवेन्यू फॉल कर रहा है तो गवर्नमेंट ने क्या किया गवर्नमेंट ने कहा है कि इसको Uh, इसको एक्चुअली जो पेमेंट करना है वो पेमेंट को अगर इंस्टॉलमेंट में कर दिया जाए जो पेमेंट करनी थी जो डिस्प्यूटेड टैक्स की जो प्रोजीक्यूटर्स से लिटिगेंट्स से उनको जो पेमेंट करनी थी उसको अगर हम इंस्टॉलमेंट में कर दें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी इस, इस स्कीम इस, इस स्कीम के लिए क्यों क्योंकि अब इस ड्यूरेशन में रेवेन्यू फॉल कर गया तो जितना भी डिस्प्यूटेड टैक्स का हो सकता है इस समय कंपनीज के पास उतना भी अमाउंट पे करने के लिए ना हो तो अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू गिव इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी टू द Taxpayer or defaulted taxpayers. हालांकि इस पर अभी कोई डिसीजन नहीं है गवर्नमेंट इज एग्जामिनिंग टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट की ये भी कोशिश है कि इस तरह के प्रोविजंस ला करके जो स्कीम है वो एक्चुअली रेलिवेंट बनी रहे क्यों क्योंकि ये स्कीम लाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि जितना भी टैक्स रिजोल्यूशन जो लिटिगेशन चल रहा है वो कम हो जाए और जो मैक्सिमम टैक्स पेयर है वो एटलीस्ट अपना टैक्स का अमाउंट पे करके रिलीफ हो जाए लेकिन अब चूंकि इस ड्यूरेशन में इकोनॉमिक मेलडाउन की वजह से रिवेन्यू क्रैश हुआ है कैश क्रंच चल रहा है मार्केट में जिसकी वजह से हो सकता है कि जो आ, टैक्स पेयर्स हैं डिफॉल्ट टैक्स पेयर हैं वो उतना अमाउंट भी ना पे कर पाएँ तो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दिस पेमेंट गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू मेक इट अंडर इंटू थ्री इंस्टॉलमेंट कि आप इकट्ठे ना पे करके आप द सेम अमाउंट यू कैन पे इन टू थ्री इंस्टॉलमेंट बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेंडिंग अगर इस लॉ को अमेंड किया जाएगा तो हो सकता है कि बहुत सारे अदर लोग जो कि अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे विवाद से विश्वास स्कीम में वो पार्टिसिपेट करें क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट टैक्स का ड्यू होता है अगर आप पनाल्टी नहीं भी लगा रहे हैं आप इंटरेस्ट भी नहीं भी लगा रहे हैं तो भी दैट अमाउंट इज वेरी बिग और एट द टाइम ऑफ रिसेशन और द इकोमिक मेल्टाउन पेइंग दैट मच अमाउंट इज अगेन कॉजिंग द कैश क्रंच प्रॉब्लम इन द मार्केट तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको इंस्टॉलमेंट में लगा दिया तो एक्सपर्ट का कहना है दिस मेक द स्कीम मोर लूक्रेटिव एंड मे इंक्रीज द पार्टिसिपेशन इन द स्कीम जो कि पहले लोग नहीं सोच रहे थे कि जो ऐसे टैक्स पेयर टैक्सपेयर थ्रो कहते थे नहीं हम तो लिटिगेशन के थ्रू ही चलेंगे क्योंकि उनको पता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलना है ये अभी इसका जल्दी सोल्यूशन नहीं आता कोर्ट केसेस का और तो वो उन्होंने विवास से, विश्वास से स्कीम में पार्टिसिपेट करने का नहीं सोचा था अगर इंस्टॉलमेंट का प्रोविज़न आ जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के हैं कि जो ऐसे लोग पहले पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे वो बिना पार्ट इस इंस्टॉलमेंट में बिना किसी दिक्कत के पार्टिसिपेट कर पाएंगे और इस स्कीम को ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया जा सकता है जैसा कि गवर्नमेंट ने 2016 में भी एक इनकम टैक्स डिक्लेरेशन की स्कीम लाई थी अगर आप लोगों से बहुत लोगों को याद हो तो जिसमें ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जो इनकम डिक्लेयर नहीं करी थी या इनकम हाइड करी थी गवर्नमेंट ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है ये टाइम विंडो है इस ड्यूरेशन में अगर आप अपने जो अनडिक्लेयर इनकम है उसको डिक्लेयर कर देते हैं तो गवर्नमेंट आप पर सिर्फ मिनिमम टैक्स लेगी आप पर कोई पेनल्टी नहीं होगा कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा तो इसी तरह की ये जो स्कीम थी ये आई थी बेसिकली कॉरपोरेट्स और बिजनेस मैन के लिए और इसमें गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि एटलीस्ट गवर्नमेंट को टू ट्रिलियन विवाद से विश्वास स्कीम में गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन ये थी कि एटलीस्ट टू ट्रिलियन का जो अमाउंट है जो रिवेन्यू है वो कलेक्ट होगा जिसको गवर्नमेंट अभी लिटिगेशन में फेस कर रही है और जो टैक्स डिफॉल्टर है उनको क्या फ़ायदा होगा उनको इंटरेस्ट पेनाटी और प्रोजिक्यूशन से से बच जाएंगे वो और इन फ्यूचर अगर उन्होंने अपना अगर अगर उन्होंने विवाह से विश्वास से स्कीम के तहत अपना सारा पेमेंट जो क्लियर कर दिया तो इन फ्यूचर उनके अगेंस्ट जो भी जो केसेस चल रहे थे वो भी कोई और या कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी तरह का केस फाइल नहीं कर पाएगा पुराने टैक्स डिफॉल्ट को लेकर के वंस इट इज़ सेटल इट इज़ सेटल्ड तो बहुत सारे जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं दे आर वेलकमिंग दिस मूव एंड सेइंग सेइंग दैट दैट इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी वुड इनेबल द कंपनीज इन डिप्लॉइंग द अवेलेबल कैश टू किक स्टार्ट द कोर बिजनेस जो बहुत सारे एक्सपर्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट गवर्नमेंट कर देगी तो उससे क्या होगा कि जो पैसा बचेगा जो कंपनीज के पास उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिवाइव करने में वो पैसा यूज हो, हो सकेगा और इकोनॉमी के लिए वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा दीज आर द सम स्टाटिस्टिक्स आप इन पर थोड़ी सी नजर डाल सकते हैं आप देखते हैं आर्टिकल नंबर सिक्स फ्रॉम पेज नंबर फाइव पावर डिमांड में फॉल इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन फर्स्ट इन फिफ्टीन ईयर्स बिकॉज ऑफ द कोविड नाइन्टीन रिलेटेड इकोनॉमिक मेलडाउन पावर सेक्टर इज ऑल्सो फेसिंग द डिमांड शॉर्ट ऑफ एंड दैट डिमांड शॉर्ट ऑफ इज वन परसेंट इन करंट फाइनेंशियल ईयर और अभी तक के पंद्रह सालों में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पावर की डिमांड जो है वो फॉल करी है क्यों फॉल करी है क्योंकि जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ऑपरेशन हैं वो भी बंद हैं और पावर ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ऑपरेशन जुलाई में रिज्यूम नहीं हुए तो ये डिमांड फर्दर फॉल करेगी अगर डिमांड फॉल करेगी तो ये स्ट्रेस पावर सेक्टर के लिए भी बहुत बड़ा होगा क्यों क्योंकि डिस्कॉम कंपनीज आर ऑल्सो फेसिंग द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस प्रॉब्लम और अगर डिमांड फॉल करेगी तो वो पावर जनरेटर कंपनी से भी कम लोड लेंगी और कम लोड लेंगी जिससे कि पावर जनरेटर कंपनीज जो हैं उनको भी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन आ सकती है बिफोर कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक द लॉकडाउन अबाउट फिफ्टी जीबी ऑफ द पावर कैपेसिटी वॉज ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस जैसा कि कल के डिस्कशन में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो पावर जनरेशन जो एनर्जी सेक्टर जो इंडस्ट्री है उसमें ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ एक या दो कंपनीज में कई सारे लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होते हैं कुछ पावर जनरेटर होते हैं फिर डिस्कॉम uh, जो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट कंपनी करती हैं जो कंपनीज वो भी इन्वॉल्व होती हैं और इंडिया में कुछ टाइम से जो डिस्कॉम कंपनी -com है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में बिकॉज ऑफ द डेट रिकवरी कुछ बहुत सारे इशूज़ को लेकर के वो इशू कभी और डिस्कस करेंगे तो उसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि पावर जो डिमांड जो डिक्लाइन कर रही है बिकॉज ऑफ द हॉल्टेड इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑपरेशन वो अगेन जो डिस्कॉम कंपनीज हैं और जो पावर जनरेटर कंपनीज हैं उनके लिए लिक्विडिटी क्राइसिस को जनरेट कर सकती हैं हालांकि पावर जनरेटर कंपनीज़ अभी इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी क्राइसिस में नहीं है बट क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो मोराटोरम पीरियड जो उनका एक्सटेंशन नहीं हुआ है डिमांड जो फॉल किया है उसकी वजह से ये पावर जनरेटर कंपनीज़ को पेमेंट नहीं कर पाएंगी जो कि जिससे कि पावर जनरेटर कंपनीज अफेक्टेड होंगी पावर डिमांड ग्रू मार्जिनली इन फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड नाइन्टीन ट्वेंटी बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड दैट प्रोसीड्स द कोविड नाइन्टीन क्राइसिस जैसे कि हम पिछले कई डिस्कशन में डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस है ये पैंडमिक uh, की सिचुएशन में और ज़्यादा एग्जाजरेट हुई है क्यों क्योंकि इससे पहले भी अगर जो लोग इकोनॉमी में थोड़ा सा टच में रहते उन्हें हो, पता होगा कि इससे पहले भी जस्ट इमीडियट पहले भी इकोनॉमी वॉज नॉट ऑन अ वेरी पॉजिटिव ट्रैक हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारा गिर गया था ऑटोमोबाइल सेक्टर जो बहुत ज़्यादा फॉल डाउन हुआ था तो उस ड्यूरेशन में भी जो पावर जनरेशन कंपनी थी वो फाइनेंशियल क्राइसिस में थी और ग्रोथ उनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था और इस कोविड नाइन्टीन के क्राइसिस ने उसमें और ज़्यादा एड ऑन कर दिया है जिसका एनुअल डिमांड जो ग्रो करने का जो परसेंटेज बोला जा रहा है दैट इज़ 1.2 परसेंट ओनली एज ए रिजल्ट ऑफ द लॉकडाउन सम प्राइवेट पावर प्लांट शर्ट्स कम्प्लीटली एंड अदर्स आर वर्किंग एट अ 25 फाइव परसेंट प्लांट लोड इसमें से सिर्फ जो गवर्नमेंट ओन पावर प्लांट्स हैं वो चल रहे हैं प्राइवेट कई सारे प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं वो बंद हो चुके हैं और जो काम भी कर रहे हैं वो सिर्फ ट्वेंटी प्लांट लोड कैपेसिटी से काम कर रहे हैं क्योंकि ना तो उनके पास वर्कर अवेलेबल है और ना ही उनके पास डिमांड है और अगर आप इसी ड्यूरेशन में इसी लाइन में देखो तो एक न्यूज ऐसी भी है कि जो कैपिटल मैनुफैक्चरिंग जो कैपिटल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरिंग कंपनीज थी उनकी भी डिमांड फॉल करी क्यों क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो डिक्लाइन हुआ है कैपिटल फॉर्मेशन डिक्लाइन हुआ है तो जो कैपिटल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरिंग कंपनीज थी उनकी भी डिमांड फॉल करी है क्यों क्योंकि क्यों क्योंकि कोई इंडस्ट्रियल सेटअप ही नहीं हो रहा तो जब कोई इंडस्ट्रियल सेटअप ही नहीं हो रहा कोई कैपिटल फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा कोई नई इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो रही कोई नई फैसिलिटी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं बन रही तो कैपिटल इक्विपमेंट्स की या बड़ी बड़ी मशीनरी की जरूरत भी नहीं है तो इससे भी नुकसान हुआ है कैपिटल सेक्टर कंपनी जो कैपिटल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं उनको आप देख लेते हैं थोड़ी सी न्यूज क्लिप्स ऑटो ब्रांड्स क्राफ्ट देयर कम बैक अवतार अब इस समय जैसे हमको पता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर बिल्कुल धड़ाम से गिरा हुआ है लेकिन फिर भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं वो प्रिपेयर कर रही हैं कि दे आर कमिंग अप विद अ न्यू कम बैक अवतार कुछ नए मॉडल्स की प्लानिंग कर रहे हैं कि जब इकोनॉमिक रिसेशन खत्म होगा जब इकोनॉमिक मेलडाउन खत्म होगा या लॉकडाउन खत्म होगा इकोनॉमी रिवाइव करेगी देन दे विल स्टार्ट विद द वी शेप ग्रोथ रिकवरी टास्क फोर्सेस सीज रुपीज़ वन वन ट्रिलियन इन इंफ्रा पंडिंग्स इन फाइनेंशियल इन फाइव ईयर्स टास्क फोर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर टास्क फोर्स गवर्नमेंट ने गठित करी थी जिसकी रिकमेंडेशन ये है कि आने वाले टाइम में आने वाले पाँच सालों में इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब एक एक सौ ग्यारह ट्रिलियन का फंड्स रेज होगा मतलब 111 सौ ग्यारह ट्रिलियन का जो फंड है वो लगाया जाएगा मतलब इट इंडिकेट्स अ गुड ग्रोथ इन फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया इसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं आज का न्यूज़ ऑफ द डे गवर्नमेंट में अलाउ ई एम आईज फॉर विवाद से विश्वास स्कीम आप थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में पढ़ लीजिए विवाद से विश्वास स्कीम क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा आज का विकैबलरी ऑफ द डे पोल्ड अप अप मतलब थामना रोकना पीछा करना या जब करना इसको हमने किसके कंटेक्स में पढ़ा था बी एस एन एल के और डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के कंटेक्स में पढ़ा था ऑल दीज आर द रेफरेंसेस स्टूडेंट इफ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच